अपने से आई एम बैक विद अनदर वीडियो. तो भी जैसे कि बहुत सारे टाइम से वीडियो नहीं आ रहा और बट मैं कमेंट्स सारे चेक कर रहा था, तो कमेंट्स में आपका ज़्यादातर ये डिमांड थी कि बजट बाइक्स दिखाओ, KTM RC और जो बजट बाइक्स होती है डोमिनार अमीनार. बाद हम आ चुके हैं जसमीत भैया के पास. हेलो क्या हाल है मेरे भाई. अभी आपकी दुकान पे आज हम आज वीडियो बनाने के लिए. तो आप, मैंने सुना है कि आपकी दुकान पे जितनी भी सारी बजट बाइक्स अवेलेबल होती हैं, तो क्या क्या कौन से मॉडल्स मिलते हैं और कौन सी रेंज तक के हैं? बेसिकली अपने पास जितनी भी है लेटेस्ट मॉडल आपको मिलेंगे, 16, 17, 18 मॉडल बाइक्स के अंदर. KTM ड्यूक्स हो गई और रॉयल इनफील्ड हो गई, NS, RS, ये जो बाइक्स. आज की वीडियो हम क्या क्या दिखाने वाले हैं आज की, उसके अंदर हम आपको पहले KTM जो है हमारे पास अभी फ़िलहाल जो जितनी रेंज है वो आपको दिखाएंगे. बाकी अपाची है हमारे पास न्यू मॉडल के अंदर, NS है, हॉर्नेट है, स्टॉक अपडेट होता रहता है हमारे पास रेगुलरली. बट एक ही वीडियो में सारा स्टॉक दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, तो अगर आपको बाइक खरीदनी है तो आप शॉप पे ज़रूर विजिट करें. शॉप की जो सारी डिटेल्स होगी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दी है, एक बार शॉप पे ज़रूर विजिट करें और सारी बाइक्स आपको मिल जाएगी. बजट फ्रेंडली है और जो प्राइस हैं वो भी काफ़ी रीजनेबल होंगे और भैया नेगोशिएबल जो नेगोशिएबल बिल्कुल होंगे हमारे प्राइजेस. बाइक्स जो जितने भी आपको हमारे पास मिलेंगे कोई रेंटेड नहीं होंगे कि वो पहले कोई रेंट पे नहीं चल रही होगी, फ्रेश स्टॉक होगा, डायरेक्ट कस्टमर से परचेज होती है और डायरेक्ट कस्टमर को सेल करते हैं, नाम करा के ट्रांसफ़र करा के गाड़ी बेचते हैं. और गाइज अगर आपको स्कूटी का व्लॉग देखना है, अगर स्कूटीज देखनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि भैया शायद से आपका स्कूटीज़ का भी काम है. बिल्कुल, स्कूटीज़ की एक अलग शॉप मेरी जसमीत मोटर्स के नाम से है, वहाँ पर सिर्फ स्कूटीज़ ही होती हैं और टोटल स्कूटी का स्टॉक होगा. उसमें भी आपको सारी 20,000 की रेंज से लेके लेटेस्ट मॉडल 19 मॉडल तक आपको स्कूटी दिखाएंगे. तो गाइज अगर आपको स्कूटीज देखनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. तब तक के लिए सिनेमैटिक एंजॉय करो, फिर हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं बाइक्स की डिटेल्स बताते हैं. जैसे कि हमने आप सिनेमैटिक्स एंजॉय करे, सिनेमैटिक्स में मैंने आपको ज़्यादातर सारी बाइक दिखा दी थी. अब पीछे सारा स्टॉक खड़ा है, इस साइड खड़ा है और इस साइड खड़ा है. तो ये हमारे साथ अजमल भाई. चलो भाई क्या हाल है. तो हमें सारी बाइक्स के बारे में डिटेल्स में बताएंगे और उनके प्राइजेस समझाएंगे. तो भाई स्टार्ट करते हैं यहाँ से. भाई इस बाइक के बारे में स्टार्ट करते हैं. तो ये कौन सी बाइक होगी? ये भाई ड्यूक 125 है. ये 1,20,000 रुपये की है. और भैया कितने हज़ार किलोमीटर चली हुई है इसका डैश देखें? ये भाई ये चली हुई है, आपको हम लाइव दिखाएंगे. ये 4800 चली हुई है. अच्छा, और इसका प्राइस क्या बताया गया? ये 1,20,000 रुपये की. इस कंडीशन आप देख सकते हो, ब्रांड न्यू कंडीशन में. ये और ये 19 मॉडल है. ये वाला 19 मॉडल है, ABS में है. और भाई ये ड्यूक 390 है. ये वाली हाँ 17 मॉडल है. ये 1,50,000 रुपये की भाई, 1.5 लाख रुपये की. और इसके साथ वाली? ये 18 मॉडल है, 2018 मॉडल. और ये कौन सी होगी? ये ड्यूक 200 है. 200. और ये कितने हज़ार किलोमीटर चली होगी? अगर इसका डैश देखें. ये चली हुई होगी भाई, जो चली हुई होगी वो जेन्युइन चली होगी, कोई आगे पीछे वाला कुछ मामला नहीं है. ये भाई 6500 चली हुई है. डायरेक्ट आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ कि आप लोगों की मीटर चेंज हो रखा है, ऐसा कुछ नहीं होता है. अब आगे देख सकते हो यहाँ पे. और अगर इसकी तरफ आए हम, ये यहाँ खड़ी है, ये भी 18 मॉडल है भाई, 2018 मॉडल. और इसके डैश की तरफ अगर हम चले, ये 7,71,000 चली हुई है. 7,000. ये भी 18 मॉडल है, 1,20,000 रुपये की. 1,20,000 की. हाँ भाई. और गाइस कंडीशन देख सकते हो आप. और ये भाई आर सी है, 390. कौन सा मॉडल होगा भाई? ये 15 मॉडल है भाई, 2015 मॉडल. और इसकी क्या डिमांड? ये आपको मिल जाएगी 90,000 रुपये की. 90,000. और ये कितने हज़ार चली होगी? ये भाई चली हुई है 35,000 चली हुई है. जी जो है यही है भाई. हाँ जी, साउंड कुछ ऐसा है.
अभी ये आरसी 200 है भाई, आरसी 200 हाँ। और ये कितनी चली होगी? ये चली हुई होगी 8000 चली हुई है, 17 मॉडल है, 2017 मॉडल। और इसकी क्या डिमांड हुई है? ये 1,10,000 की है भाई। भाई बजाज कंपनी की डोमिनार है। डोमिनार जो आपकी सबसे ज़्यादा डिमांड थी कि डोमिनार दिखा दो। और इसका डैश देखिए, हम ये 12,000 चली हुई है। 12,000 उसकी डिमांड क्या होगी भाई? 1,00,000 की है भाई, 1,00,000। 2017 मॉडल है ABS में। और R15 जो यहाँ खड़ी है इसके बारे में बात करेगा। ये R15 भाई 2019 मॉडल है, ABS वाली, डबल ABS में। और इसकी क्या डिमांड होगी? ये 1,30,000 रुपये की। 1,30,000। ये भाई अपाचे 200 है। चलिए भाई सिर्फ ये 5,400 चली हुई है। और इसकी प्राइस क्या होगी भाई? इसकी प्राइस भाई 82, 2018 मॉडल है लास्ट का। इसके साथ में ये भी अपाची 200 है, ये भी 18 मॉडल है। और इसकी प्राइस क्या होगी? ये आपको मिल जाएगी 80,000 रुपये की। और इसके साथ में ये NS 200 है, ये भी 18 मॉडल है, ये मिल जाएगी 75,000 रुपये। ये भाई ड्यूक 250 है, हाँ 250। ये 2019 मॉडल है, एक महीना पुरानी है, बस एक महीना पुरानी, हाँ न्यूली एकदम। ये कितनी चली होगी? ये चली हुई है, ये कुल 1200 किलोमीटर चली हुई है। सिर्फ 1200 और इसकी कंडीशन देख सकते हो आप, डैंग की कंडीशन में पूरी बाइक है। और भाई इसकी डिमांड क्या होगी? इसकी डिमांड भाई 1,88,000 रुपये की है। दो लाख 22,000 रुपये का बिल है इसका। R15 वर्जन 3 2019 डबल ए बी एस। और ये चलिए 4,460 कुछ किलोमीटर, हाँ। और भाई इसकी प्राइस क्या होगी? इसकी प्राइस होगी भाई 1,30,000 रुपये। न्यूली कंडीशन एकदम, 19 मॉडल है। साथ में हम हॉर्नेट की बात करें, हॉर्नेट की अगर हम बात करें तो ये 2018 मॉडल है। 2018 मॉडल। और इसकी क्या प्राइस होगी? ये मिल जाएगी 55,000 रुपये की। 55,000 देते हैं ये ड्यूक 200। वेल एंड में आने के बाद अंदर एक और बाइक खड़ी है ड्यूक की, ड्यूक 200 ब्लैक कलर में। भाई अगर इसकी हम बात करें क्या प्राइस रखा होगा इसका आपने? भाई ये 1,00,000 रुपये की है, 2017 मॉडल है। 2017 मॉडल 1,00,000 रुपये की। और गाइस प्राइस सारे नेगोशिएबल है, एक बार आके आप दुकान पे विजिट कर सकते हो, फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा। भाई ये देखो, ये रहा जसमीत मोटर्स का बोर्ड लगा हुआ, और ये जितना भी स्टॉक यहाँ खड़ा था मैंने सारा आपको दिखाया, सबकी प्राइस बताई है अच्छे से, और प्राइस शायद से स्क्रीन पे भी लिखी हुई आई होगी अगर मेरे को ध्यान रहा होगा तो। मैं स्क्रीन पे भी सारी प्राइस डालूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर हर चीज़ का लिंक है। और गाइस ये खाड़ी, तो गाइस अब अंदर चलते और वीडियो को एंड करते हैं। सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, आपको बजट फ्रेंडली बाइक दिखाने को लेके, ड्यूक दिखाई, आरसी दिखाई, डोमिनार दिखाई, R15 दिखाई, ज़्यादातर जितना भी स्टॉक अभी बाहर खड़ा था सारा कवर कर लिया, सबके प्राइजेस बताए मैंने आपको। बाकी भैया एक बार अपना कार्ड दिखा दीजिए। ये भाई मेरा जसमीत मोटर्स के नाम से शॉप है, ये मेरा कार्ड है भैया। आपका वैसे नंबर और सब कुछ हम सब कुछ इसके अंदर वैसे डाला भी होगा, और बाकी आप डिस्क्रिप्शन में डालोगे तो सबको। और गाइस इसकी फोटो यहाँ पे आ रही होगी तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर हर चीज़ है। और भैया एक बार मैं ये बस पूछना चाहता हूँ कि जो आपके पास बाइक्स आती है उसके अंदर किसी को एसेसरीज लगवानी होती है, वो बंदों का बहुत क्वेश्चन आता है कि अगर उसके अंदर एसेसरीज लगी हुई हैं पर उनको अगर लगवानी भी है तो आप उनको प्रोवाइड करवा सकते हो या? बिल्कुल मैं करवा भी सकता हूँ, बाकी मार्केट है यहाँ पर तो ईजिली अवेलेबल है, हमारे अपोजिट भी शॉप्स है और मार्केट है पूरी, तो एसेसरीज कोई बिग डील नहीं है, मतलब यहाँ पर आराम से ईजिली अवेलेबल है। और जो फाइनेंस का ऑप्शन होता है शॉप पे? फाइनेंस ऑप्शन बिल्कुल अवेलेबल है, पर ओनली फॉर दिल्ली रेजिडेंट्स, जिनका दिल्ली में घर है उनके लिए फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल है। 16% का स्लैब होता है अपना पर एनम का इंटरेस्ट का, जो रिड्यूसिंग होता है। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है हमारे को, उसके हिसाब से आपके सिविल पे डिपेंड करता है लोन हो जाता है। और भैया जो बंदे पूछते हैं कि जो बाइक अगर ट्रांसफ़र करानी हो, ट्रांसफ़र आपको यहाँ से बाइक बिना ट्रांसफ़र के मिलेगी ही नहीं। मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि हम रेंटिंग का काम इसीलिए नहीं, यहाँ पर काफ़ी शॉप्स हैं जो रेंट पे बाइक्स का काम करते हैं, हम रेंटिंग का काम नहीं करते, इसीलिए गाड़ी जैसे भेजते हैं फिर ट्रांसफ़र भेजते हैं आपको, विद इन 20 डेज जो है RC आपके घर पर रिसीव हो जाती है। तो
तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और एक बार कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बता देना कि आपको कौन सी बाइक सबसे ज़्यादा पसंद आई, और अगर आपको स्कूटीज़ का ब्लॉग देखना है तो कमेंट में वो भी ज़रूर बताना, तो मैं वो भी वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, दिस इज मिस्ट्रीबॉय व्लॉग्स साइनिंग ऑफ। ओके।